चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। इसमें जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इसका मुख्य विषय मानव मात्र को जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत के महान पात्र थे। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवनंदी गंगा के पुत्र थे। दोस्तों, अपने पिता की दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म की पितृ शक्ति को देखकर महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दोस्तों, वे एक महान योद्धा थे, साथ ही वे दार्शनिक और कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके पास गजब की दूरदृष्टि थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को एक नीति संबंधी महत्वपूर्ण बात बताई, जिसे भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भीष्म नीति के अनुसार भीष्म ने महिलाओं के विषय में तीन महत्वपूर्ण बातें कही थीं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके सम्मान, समाज में बराबरी का अधिकार से जुड़ी बातें कही थीं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध का एक कारण महिला का भरी सभा में अपमान भी था। वह महिला कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी थीं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि भीष्म पिता ने वो कौन सी तीन महत्वपूर्ण बातें स्त्रियों के बारे में कही है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अच्छी तरह से समझना, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको उन चीज़ों के बारे में ज़रा विस्तार से। दोस्तों, भीष्म नीति में पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जिस घर में स्त्री प्रसन्न होती है उस घर में ही खुशियाँ आती हैं। स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है, वहीं जिस घर में स्त्री दुखी होती है उसका सम्मान नहीं होता है, वहाँ से लक्ष्मी और देवता भी चले जाते हैं। ऐसे स्थान पर विवाद, कटु वचन, दुख और अभावों की प्रबलता रहती है। दोस्तों, भीष्म नीति के अनुसार बेटी, बहू, माँ या बहन परिवार की अन्य महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, जहां नारी सशक्त होती है, वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में एक श्लोक भी है, इत्र नरस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की जहां पूजा की जाती है देवता वहां रमण करते हैं। दोस्तों, भीष्म के अनुसार मनुष्य को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वह किसी महिला के शाप का भागी बने, क्योंकि उनकी हाय विनाश लेकर आती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का कुल भी एक महिला यानी गंधारी के श्राप के कारण मिट गया था। इसलिए स्त्री, बालक, बालिका, गौ, असहाय, प्यासा, भूखा, रोगी, तपस्वी और मरणासन्न व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। जो इनसे श्राप लेता है उसका विनाश निश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि भीष्म पिता ने स्त्रियों के बारे में कौन सी तीन महत्वपूर्ण बातें कहीं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।